और मैं काशी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आशुतोष जी, क्या वजह है कि आज आप लोग एसएसपी ऑफिस आए, क्या वजह है? दरअसल आप देखेंगे कि काशी विश्वविद्यालय में रोज कोई न कोई घटना घटित हो रही है जी, लेकिन आए दिन छात्रों के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कराना, उनको जेल भेजना, ये कहाँ तक उचित? हम छात्र अपराधी तो है नहीं, और जिस आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन छात्रों के ऊपर कार्रवाई करे, ऐसे कार्रवाई करे जैसे वो छात्र नहीं अपराधी है। अभी आप देखेंगे कि एक हफ्ता पहले एक घटना घटित हुई जिसमें दो कोई बाहरी छात्र आते हैं और काशी विश्वविद्यालय में आपस में लड़ाई करते हैं और चले भी जाते हैं। उसके बाद काशी विश्वविद्यालय की चीफ प्रैक्टर महोदय जो अपने आप को तानाशाह बन रही हैं, उनका कहना है कि वो किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति को टारगेट कर रही हैं, जैसे किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति को, कोई भी मामला हो रहा है तो उस व्यक्तिगत व्यक्ति को ही छात्रों को करके अपराधी बनाया जाए। तो उसमें उन्होंने कहा कि दो छात्र थे वो आए और धर्मेंद्र जी के साथ मारपीट किए, इनकी मोबाइल छीन लिए। इस मामले में उन्होंने लंका थाने में FIR दर्ज किया, जबकि धर्मेंद्र भैया का ये कहना है कि हमने कोई FIR दर्ज नहीं किया है, ना ही मेरे साथ मारपीट हुई थी ना ही लूट हुआ था। उसके बाद अगले दिन किसी कारणवश शुभम तेवतिया लंका थाने गए थे। वहाँ पे क्या हुआ, जब संजीव मिश्रा देखे कि लंका थाने आए हुए हैं, उन्होंने धर्मेंद्र भैया को वहाँ पे थाने पे बुला के और इनका मोबाइल लेके और शुभम तेवतिया को दिखा के और कह दिया गया कि यही मोबाइल शुभम तेवतिया ने छीना था और ये मोबाइल आप देख रहे हैं बरामद हो गया। ये बताइए कि अगर आज हमारे साथ घटना घटित होगी तो हमारी मोबाइल तो आज ही छीना जानी चाहिए। ये रात भर बता रहे हैं कि अपने घर वाले, परिवार वाले, बाल बच्चे सबसे बात किए हैं, उसका कॉल डिटेल निकाला जाए, उसको चेक किया जाए, अगर जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। एक हफ्ते से छात्र जेल में है। आज आप लोग SSP साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन? SSP साहब से हम लोग मिले, उनसे साथ ये कहा गया कि सर जिस गुनाह में शुभम तेवतिया को जेल में रखा गया उसमें तो गुनाहगार ही नहीं है, एक हफ्ता से वो जेल में है, तो आखिर उसका गुनाहगार कौन है? एक हफ्ता से अगर छात्र जेल में है, क्या बोले? उन्होंने कहा कि इस पे कार्रवाई होगी और लंका के ऊपर जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, छोड़ा नहीं जाएगा। कार्रवाई नहीं होती है तो कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जाहिर सी बात है।